मुझे लगता है कि शायद वो शक्तियाँ खुलेंगी जो लोग अपने परिवार के सदस्यों से पीड़ित हैं और दरबार नहीं आ पाते, शायद उनके लिए कुछ खुलेगा ज़बरदस्त। ऐसा हमें उम्मीद है कि कुछ ऐसा हमें एहसास हो रहा है कि बाबा कुछ लंबा गिफ्ट देने वाले हैं मानव जाति के लिए, कोई लंबा गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट है ना, जो तड़पती कराहती मानव जाति की जो कराहे हैं, आंसू हैं उनके, वो बाबा की कृपा से मुझे लगता है कि घर बैठे भी धुलने वाले हैं। दरबार में यहाँ कोई लोभ लालच नहीं है कि नहीं आप आओ ये करो वो करो तभी होगा। आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना, आपकी यही आपका सबसे बड़ा आपके पास हथियार है और इसी से आप स्वस्थ होते हैं। आप देखते हैं आपको संकल्प कराने में 4-4, 5-5 घंटे जाते हैं, है ना, तो वो इसीलिए होते हैं कि संकल्प आपके हो जाए, ये दरबार आपके संकल्प को पूरा कर देता है, पूरा का पूरा एकदम। दरबार के जब नियम और विधियां परंपराओं का पालन करते हैं, दरबार आपके साथ पूरा का पूरा जुड़ा रहता है और आप स्वस्थ होते हैं, आपका परिवार स्वस्थ होता है। अभी तक ये तो है कि आप आते हो तो स्वस्थ होते हो, परिवार के सदस्य आते हैं वह भी स्वस्थ होते हैं। घर में कुछ लोग हैं जो आसुरी शक्तियाँ आपकी कमजोरी जानती हैं तो बच्चों को नहीं आने देती, ये किसी के माता पिता को नहीं आने देते, बच्चे यहाँ आते हैं अकेले। कुछ बच्चे इतने समझदार हैं स्वयं आते हैं और बेचारे सारा कार्यक्रम करते हैं अपना। मुझे बड़ा तब उनसे स्नेह हो जाता है जब मुझे पता लगता है कि ये अकेला और हवन कर डाले सब अकेला, कोई घर से नहीं आ रहा, तो मुझे बड़ा उससे स्नेह हो जाता है। मुझे लगता है कि यार इसके लिए माता पिता तो बाबा ही माता हैं, तो बिल्कुल अपना सा लगने लगता है, एकदम अपना सा ज़बरदस्त। तो दरबार उनका बहुत ख्याल रखता है। कई बच्चे आते हैं या कई बच्चे हैं यहाँ पर, तो सब अच्छा ही होना है, अच्छा होता ही है, धैर्य की आवश्यकता है। यहाँ दवा में से खतरनाक लोग बैठे हैं जो जब आए थे तो कुश्तियाँ लड़ते हुए कुश्ती, आज वो इस हालत में है कि आप सबकी सेवा कर सकते हैं, है ना? हाँ है ये बच्ची, हाँ सभी लोग इसीलिए उसको बुलाए, खुश हो। वो बच्चा भी देखो अकेला है, उसको बाबा ने सात हवन का पुण्य दिया, आते ही दिया, वो आया और सात हवन का पुण्य बाबा ने दिया उसको, बिना हवन किए, है ना? तो ऐसे ही है, बाबा की तो कृपा बरसती है, वो किसको क्या करेंगे वो ही जानते हैं। अच्छा, बाबा और माँ की यही कृपा है। तो सभी लोग, हम सोचते थे कि एक बार सब लोग अपने घर चले जाएं, काफ़ी दिन से लोग रुकना हो जाता था, टोकन लेके दो दो तीन तीन दिन चार चार दिन पांच पांच दिन इंतज़ार करना पड़ता है, अब न ऐसा हो जाए कि आदमी आए टोकन ले और मिले और चला जाए अगले दिन में, तो ये सब भीड़ ख़त्म हो जाए तो बाबा के उत्सव के बाद ऐसे शुरू हो जाएगा, डेली आओ डेली जाओ, ऐसा फ्रेश व्यवस्था है। जितना कर पा रहे हैं करते हैं, जितना कर पा रहे हैं उतना करने की कोशिश कर, बड़े बढ़िया ही हो रहे हैं, दिन पर दिन अच्छा ही हो रहा है, अच्छा ही होना है, क्योंकि आपकी श्रद्धा है, आप में विश्वास है, आप में आस्था है, उसका परिणाम आपको मिलता है। ठीक है, सभी लोग अच्छा यही कहना है, जो लोग देख भी रहे हैं लाइव भी, कि अभी बुध बृहस्पति ना आए, मैं हूँ नहीं, शुक्रवार की हम लौटेंगे शाम तक, फिर शनिवार से मिलना शुरू करेंगे, लेकिन बस टोकन वाला सिलसिला 10 तारीख के बाद फिर नहीं चलेगा, ठीक है ना? फिर केवल उत्सव चलेगा, झूम धाम, बढ़िया, हरिहर।